जिले के बटियागढ़ ब्लॉक की ग्राम सरिया में एक माह से विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण लोग परेशान हैं और अब उन्होंने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, इस बात की जानकारी दी है। दरअसल एक माह पहले गांव के दोनों विद्युत ट्रांसफार्मर जल गए थे, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के लिए उन्हें विद्युत मंडल लाया गया था, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सिर के ट्रांसफार्मर नहीं बदले तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। जा रहा है, इन लोगों के बिल तो बाकी है। इन लोगों के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि कल आप लोग आ जाएं, कैंप कर लें, हम लोग जितना संभव होगा उतना भुगतान करवाएंगे। और हम भी अपने तरफ से आश्वासन दे रहे हैं कि कल इनका ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा, और जिस तरीके से लोगों ने आश्वासन दिया है हमें सहयोग करके बिल भुगतान करवाने की दया करें, कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। जी जी, तो कितने दिन में सर ट्रांसफार्मर? कल ही लग जाएगा। हाँ, एक माह से हम लोग परेशान थे, तो साहब से बोली तो साहब ने बोल दिया है कि कल ट्रांसफार्मर रखवा दिए जाएंगे, वो शाम को आएंगे, सो मतलब गाँव में करवा देना। कितने दिन से परेशानी थी? एक माह से परेशान है।